तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं भी सुकुमार फिर से हाजिर हूँ एक और नया वीडियो लेकर के। एंड आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करेंगे SSC दिल्ली पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2022 के बारे में, जिसका अभी फॉर्म जो है वो 2023 में फिल होने वाला है, क्योंकि SSC का ये जो वैकेंसी है वो एक साल लेट चल रही है, जिसके कारण से इसका जो 2022 वाला ही रिक्रूटमेंट है, लेकिन 2023 में इसका फॉर्म फिल होने वाला है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग इस नोटिफिकेशन के बारे में कंप्लीट बात करने वाले हैं कि इसका जो वैकेंसी है वो कब तक आएगा, यानी कि कब से इसका अप्लीकेशन जो फिल होना स्टार्ट होगा, कौन कौन से कैंडिडेट्स इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे और टोटल कितने पोस्ट के लिए वैकेंसी आएगी। एंड आपको बता दें कि ये जो 12th लेवल का यहाँ पर जॉब है, तो 12th पास जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी भी आपको अच्छा खासा देखने को मिलेगा। तो अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, तमाम इन्फॉर्मेशन आपको इसमें मिलने वाली है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों हम लोग बात करते हैं कि इसका इंपॉर्टेंट डेट जो है वो क्या रहने वाला है, यानी कि एप्लीकेशन कब से शुरू होगा। एग्जाम जो आपका SSC के द्वारा ऑफिशियली कंडक्ट किया जाता है, तो SSC का एग्जाम कैलेंडर को हम लोग चेक कर लेते हैं कि उसमें क्या डेट है। तो देखिए, यहाँ पर जो है SSC का ऑफिशियल एग्जाम कैलेंडर आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर 16 नंबर में आपको दिखाई दे रहा होगा रिक्रूटमेंट ऑफ कॉन्स्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल एंड फीमेल, यानी कि दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं, मेल फीमेल बोथ। ठीक है, तो इसका हमें बता दें आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन का डेट आपको दिखाई दे रहा होगा, ये जो है 2/3/2023 लिखा हो, यानी कि आपका 2 मार्च को ये जो नोटिफिकेशन आपका आ जाएगा, मतलब 2023 में आएगा। 2022 वाला ही रिक्रूटमेंट है, लेकिन 2023 में आएगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो 2 फरवरी को आपका जो है इसका मतलब आ जाएगा नोटिफिकेशन। एंड इसके लिए जो है लास्ट डेट क्या रहेगा, तो लास्ट डेट आपका 31 मार्च तक रहेगा। ठीक है, एंड एग्जाम इसका अप्रैल से मई के मंथ में आपका कंडक्ट किया जाएगा। मैंने आपको इंपॉर्टेंट डेट बता दिया इसका। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, एंड एक्स्ट्रा जो भी इन्फॉर्मेशन है वो मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। तो देखिए, टोटल वैकेंसी की सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं, तो टोटल वैकेंसी इसमें जो है आपका पिछली बार की ये है, मतलब कि 5846 पोस्ट रहा था पिछला बार जो आपका हुआ था एग्जाम, तो इसमें 5846 वैकेंसी था। और इस बार भी यही चांस है कि आपका 6000 के अप्रॉक्स में यह वैकेंसी रहने वाली है। ठीक है, नेशनल लेवल का एग्जाम है और जॉब लोकेशन आपका दिल्ली में होगा। सैलरी की देख लीजिए, तो सैलरी आपको देख लीजिए, यहाँ पर बताया गया कि INR 21,700 से लेकर के 69,100 है, और ये जो है बेसिक पे है, यानी कि ये बेसिक पे है। ये जो आपको सैलरी मिलता है स्टार्टिंग में आपका 35,000 से प्लस मिलता है, यानी कि 40,000 मान के चले कि 40,000 इसमें आपको टोटल सैलरी मिलेगा। ये जो यहाँ पर दिखा रहा है ये बेसिक पे सैलरी है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है, इसमें सैलरी स्टार्टिंग होगा आपका 40,000 से। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं, एप्लीकेशन आपका ऑनलाइन मोड में फिल होगा। ठीक है, एग्जाम में कौन कौन से स्टेज होंगे तो देख लीजिए, यहाँ पर जो आपका सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, एंड फिजिकल आपका उसके बाद होगा, उसके बाद आपका फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा, एंड उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, एंड ये जो आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा वो आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। इसके लिए आपको नेगेटिव मार्किंग होगा जो कि 0.25 का होगा। अभी जब आगे हम लोग एग्जाम कंडक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे तो उसमें सारी इन्फॉर्मेशन आपको बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, एंड नेक्स्ट यहाँ पर बात कर लेते हैं कि इसमें एग्जाम का जो पैटर्न होगा वो किस तरीके से रहेगा। ठीक है, तो देखिए, एग्जाम जो होगा आपका कंप्यूटर बेस्ड, तो उसमें देखिए जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स के क्वेश्चन रहेंगे 50 क्वेश्चन, एक एक मार्क्स का रहेगा, तो 50 मार्क्स का यहाँ से हो जाएगा। रीजनिंग का 25 क्वेश्चन रहेगा 25 मार्क्स का। न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कि मैथ के क्वेश्चन रहेंगे 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स का। अब देखिए, जो बच्चे यहाँ पर इंग्लिश में कमज़ोर हैं, ठीक है, या फिर इंग्लिश मतलब उनका मजबूत नहीं है, तो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश नहीं पूछा जाता इसमें, तो इसके लिए यहाँ पर प्लस पॉइंट हो जाता है जो भी बच्चे इंग्लिश में कमज़ोर हैं। उसके बाद आपका जो कंप्यूटर के क्वेश्चन रहेंगे 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के, तो इस हिसाब से टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे 100 मार्क्स के। इसके लिए टोटल 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटे का टाइमिंग आपको मिलेगा। ठीक है, तो जो भी बच्चे इंग्लिश में कमज़ोर हैं तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं, इसको क्वालिफाई कीजिएगा तो फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट होगा, जिसमें कि आपका फिजिकल चेक किया जाएगा। फिजिकल में आपका देख लीजिए रेस होता है, लॉन्ग जंप होता है और हाई जंप होता है। तो लॉन्ग जंप यहाँ पर सबसे पहले रेस की बात करें तो 1600 मीटर का रेस होगा। तो अगर आपका एज जो है वो 30 ईयर्स तक है, ठीक है, 30 ईयर्स वाले के लिए 6 मिनट का टाइमिंग मिलेगा। अगर 30 से 40 के बीच में अगर आपका एज है तो 7 मिनट का टाइमिंग मिलेगा 1600 मीटर के रेस के लिए। एंड अगर आपका 40 साल से प्लस आपका एज है तो 8 मिनट का टाइमिंग आपको मिलेगा। वहीं हिसाब से यहाँ पर लॉन्ग जंप और हाई जंप भी दिया गया है। ठीक है, तो देख लीजिएगा यहाँ पर अपना। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर इसको क्वालिफाई कर लोगे, ये जो है मेल और फीमेल बोथ के लिए। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं कि फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट यानी कि हाइट और वेट वगैरह कितना होना चाहिए वो यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले मेल कैंडिडेट्स की बात करें, अगर जनरल SC या फिर OBC से अगर आप आते हैं तो 170 सेंटीमीटर आपका हाइट होना चाहिए, फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर। वहीं अगर आप ST कैटेगरी से आते हैं तो मेल वालों के लिए 165 सेंटीमीटर चाहिए और फीमेल वालों के लिए 154 सेंटीमीटर चाहिए। अब चेस्ट में जो है लड़कियों को नहीं देखा जाता, सिर्फ और सिर्फ लड़कों को देखा जाता है, जिसमें कि बात करें अगर जनरल SC एंड OBC की, तो अगर आपका चेस्ट जो है 80-85 सेंटीमीटर है तो आप अप्लाई कर सकते हो, मतलब इसमें आप मतलब पास हो जाओगे। उसके बाद ST वालों के लिए 77-82 सेंटीमीटर है चेस्ट के लिए। नेक्स्ट टाइम बात करते हैं मेडिकल एग्जामिनेशन में क्या क्या चेक किया जाएगा। तो मेडिकल एग्जामिनेशन में आपका आँख चेक किया जाएगा, उसके बाद साउंड चेक किया जाएगा, और भी कई सारी चीज़ें होती है जैसे कि आपका कलर ब्लाइंडनेस है या फिर नहीं,
ये सारा चेक किया जाएगा। तो जब मेडिकल के बारे में हम लोग अलग से एक वीडियो लाएंगे तो उसमें आपको सारा इन्फॉर्मेशन दे देंगे। नेक्स्ट इसके बाद बात करते हैं हम लोग कि जो सिलेबस होगा आपका वो किस तरीके से रहेगा। तो सिलेबस आप देख सकते हैं जनरल अवेयरनेस का यहाँ पर है, तो आप वन बाई वन देख सकते हैं कि कौन कौन से टॉपिक से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, रीजनिंग एबिलिटी का भी यहाँ पर कुछ टॉपिक दिया गया है। दोस्तों यहाँ पर जो बारिश हो रही थी, थोड़ा सा आपको आवाज़ यहाँ पर मतलब ख़राब हो सकता है, तो उसके लिए थोड़ा माफ़ कीजिएगा। रीजनिंग एबिलिटी की बात करें तो रीजनिंग एबिलिटी में देख लीजिए ये सारे जो है आपको टॉपिक रहेंगे। उसके बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करें तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में जो है टाइम एंड डिस्टेंस, ट्रू उसके बाद है डिस्काउंट, डेसिमल फ्रैक्शन, ये सारे टॉपिक्स आपका रहेगा। ठीक है, उसके बाद कंप्यूटर के भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम लोग बताएंगे हैं, तो इन्हीं सबसे जो है आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट चलिए बात कर लेते हैं कि एलिजिबिलिटीज में क्या होना चाहिए, यानी कि एज क्या होना चाहिए। तो एज के लिए बात कर ले तो एज जो है आपका मिनिमम 18 साल होना चाहिए एंड मैक्सिमम आपका 25 ईयर होना चाहिए। ठीक है, वहीं कुछ कैटेगरी को यहाँ पर छूट भी दिया जाता है, जैसे कि ओबीसी को 3 साल का अपर एज में मिलेगा छूट, SC ST को 5 साल का, उसके बाद स्पोर्ट्स पर्सन है तो 5 साल का, एक सर्विस मैन है SC ST से आते हैं तो 8 साल का। तो इस तरीके से आपका रिजर्वेशन मिलेगा, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर चलिए बात करते हैं कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है क्या रहना चाहिए। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन बता दें दोस्तों, तो आपको जो है किसी भी बोर्ड से आपको 12th का एग्ज़ाम जो है वो पास करना चाहिए, यानी कि इंटर का एग्ज़ाम आपका पास होना चाहिए, तब जो है आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर दोस्तों जो भी एक सर्विस मैन है उनके बेटे हैं तो आप 11th अपियरिंग में भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, मतलब 11th पास को अगर आप पास हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, 12th अपियर कर रहे हैं तब आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया गया मेल कैंडिडेट्स के लिए, जब भी कांस्टेबल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास एक ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। ठीक है, एंड ये जो फिजिकल तक जो है आपका होना चाहिए, मतलब फिजिकल से अगर बाद आप बनवाते हो ड्राइविंग लाइसेंस तो आपका वैलिड नहीं रहेगा। ठीक है, तो फिजिकल तक आपका एक ड्राइविंग लाइसेंस बना होना चाहिए, क्योंकि फिजिकल में आपका चेक कर लिया जाएगा, वो आपके पास होना चाहिए। एंड लर्निंग लाइसेंस एप्लीकेबल नहीं है, ये भी आप बात ध्यान रखिएगा। तो मेल के लिए ड्राइविंग लाइसेंस इंपॉर्टेंट है, तो ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई कर दीजिए आप, उसके बाद आप इस फॉर्म को फिल कीजिएगा, फीमेल के लिए रिक्वायरमेंट नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं एंड नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं कि एप्लीकेशन फ़ी आपको कितना देना होगा। तो एप्लीकेशन फ़ी देख सकते हैं, SC ST को कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं देना है, ना ही वुमेन को देना है, सिर्फ और सिर्फ जो जनरल है OBC हैं उनको 100 रुपये आपको पेमेंट करना होगा। ठीक है, तो इस तरीके से सारी इन्फॉर्मेशन मैंने दे दिया दोस्तों, इस तरीके से आपका मतलब रहेगा। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो अपकमिंग वैकेंसी है वो कब से फॉर्म फिल होगा मैंने आपको बता दिया सारा चीज़। चलिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है क्या रहता है। तो बात कर ले जनरल के लिए, तो जनरल के लिए मिनिमम आपको 35% स्कोर करना होगा तब जाकर के आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा। लेकिन ऐसे मतलब 35% स्कोर करना होगा, ऐसे अगर आपको मतलब एग्ज़ाम को क्रैक करना है तो 100 में से कम 60+ टारगेट आपको लेकर के चलना होगा। ठीक है, OBC के लिए वही 40-50 एंड एक्स सर्विसमैन और SC ST के लिए आपका 30+ है तो आप अप्लाई मतलब आपका हो जाएगा वहाँ से काम। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने सारी इन्फॉर्मेशन दे दी दोस्तों दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के बारे में। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, और हम जो है 1000 सब्सक्राइबर के बहुत ही करीब पहुँच चुके हैं, तो फटाफट से जो भी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए ऐसे ही वीडियोज़ के साथ मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।